Hello everyone, I am Dr. Kiran Bhave, your chemistry tutor. So today we will discuss some new topics in the chapter, some basic concepts of chemistry. So this is the seventh video in this series. So in this lecture, we will study about percentage composition of an element and empirical and molecular formula. ठीक है, तो last time तक हमने mole concept को अच्छे से समझ लिया था, उसके बेस questions भी कर लिए थे and I hope इन questions को आप निकाल पा रहे हो और जिस किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं. ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, वो होगा आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेशन. देखो, कोई आपके पास कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर वो बना होता है ना, तो उसकी कॉम्पोजिशन होती है. तो उस कॉम्पोजिशन में कोई एलिमेंट अपना कितना परसेंट दे रहा है. देखो, समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ. देखो, सपोज आपके पास सिंपल एग्जांपल लेते हैं H2O वाटर का. ठीक है, H2O यानी कि वाटर. वाटर किस किस से मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. यानी कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन कितने? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. और ऑक्सीजन का कितना? 1 एटम. ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. ठीक है, तो कॉम्पोजिशन क्या हुई इस कंपाउंड की? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब हमें देखना है कि ये कंपाउंड बनाते टाइम हाइड्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है बाय मास. ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड का मास परसेंट निकालते टाइम क्या करेंगे? मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड कैसे निकालते हैं? मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड. ठीक है, सिंस परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू क्या आ जाएगा? 100. रिपीट करो, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जब आप वाटर बनाते हैं, सपोज वाटर एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर बना किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कॉपी कॉम्बिनेशन से. 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, अब हम इनका मास निकालते हैं, मोलर मास निकालेंगे. किसका? वाटर. ठीक है, चलो निकालो और मोलर मास जल्दी से बताओ. ठीक है, आप तो परफेक्ट हो गए होंगे सब निकालने में. आप लोग हाइड्रोजन कितने हैं? 2. एक हाइड्रोजन एटम का कितना लेते हैं आप? मोलर मास 1 ग्राम पर मोल. और 2 का कितना लेंगे? 2 प्लस. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, गुड. और मास नंबर कितना होता है? 16. तो 2 प्लस 16 कितना आ गया आपके पास? 18. तो मोलर मास कितना हुआ वाटर का? 18 ग्राम पर मोल. ठीक है, 18 आ गया. अब इस 18 में हाइड्रोजन कितना परसेंट दे रहा है? हाइड्रोजन कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 18 में? 2. ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का मास परसेंट निकालते टाइम एलिमेंट का मास इस कंपाउंड में अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना है? 18. परसेंट है तो 100. यही यहां फॉर्मूला लिखा हुआ है, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड. मास परसेंट इस कंपाउंड में, मास परसेंट सपोज हम हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं. ठीक है, तो मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दिस कंपाउंड. इस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास कितना है? इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का कितना मास है? 2. 1 नहीं लिखना है, इस कंपाउंड में कितना है? 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है. अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास किस कितना है? वाटर का 18 और इनटू 100. तो इस तरह से आप मोलर मास निकाल सकते हो, मास परसेंट. सिमिलरली अगर ऑक्सीजन का निकालना हो तो ऑक्सीजन का कितने ऑक्सीजन एटम है? 1 सिंगल ऑक्सीजन एटम है. एक ऑक्सीजन का मास कितना? 16 अपॉन मोलर मास कितना? 18 इंटू 100. इस तरह से आप सॉरी मास परसेंट निकाल सकते हैं. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. अब आपके पास एक एग्जांपल है, ये समझाने के लिए वाटर का ले लिया था. सपोज आपके पास एक और एग्जांपल है, अभी किसी टेक्स्ट बुक से लिया है. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द सैंपल ऑफ ब्लू विट्रियोल. Calculate the percentage of water of crystallization in the sample of blue vitriol. क्वेश्चन है बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द सैंपल ऑफ ब्लू विट्रियोल. ब्लू विट्रियोल होता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. क्या होता है? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को आप ब्लू विट्रियोल बोलते हैं.
हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. तो कॉपर मतलब Cu, सल्फेट मतलब SO4, CuSO4 प्लस 2 इसका चार्ज, माइनस 2 इसका चार्ज, न्यूट्रल हो गया. ठीक है, अब हाइड्रेटेड मतलब कॉपर सल्फेट के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं. ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. तो फॉर्मूला हो गया इसका CuSO4.5H2O. ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया. तो इस कंपाउंड के अंदर, ब्लू विट्रियोल के अंदर हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है वो आपको पता करना है, कितना परसेंटेज है. तो देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कंपाउंड क्या है, गिवन कंपाउंड क्या है. ब्लू विट्रियोल यानी कि CuSO4.5H2O. ठीक है, CuSO4.5H2O. तो चलो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कंपाउंड का मोलर मास निकालना है. चलिए निकालिए, एक एक करके निकालते हैं. कॉपर का होता है 63.5, ठीक है, एटमिक मास जो होता है. सल्फर का होता है 32 प्लस, ऑक्सीजन कितने हैं 4, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल. वाटर का भी निकाला था, कितना होता है H2O, 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 18, तो 5 × 18 है ना. तो आप जब इसे ऐड करेंगे 63.5 प्लस 32 प्लस 64, 18 × 5 = 90, तो टोटल आपके पास आ जाएगा 249.5. कितना आएगा, 249.5 ग्राम पर मोल. दिस इज द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, गिवन कंपाउंड है ब्लू विट्रियोल, उसका मोलर मास आ गया. अब इसमें इस टोटल मास में वाटर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना कर रहा है, देखो वाटर की वजह से कितना मास आया है, ये वाला, यानी कि 90. ठीक है, तो वाटर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, 90, बट इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है, और अब यू कैन से मास परसेंट बताना है. तो आप क्या लिखोगे, मास परसेंट ऑफ वाटर इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट और ब्लू विट्रियोल. तो क्या करोगे, मास ऑफ वाटर, अब मास ऑफ वाटर 18 नहीं लिखना, इस कंपाउंड में कितना वो लिखना है, मास ऑफ वाटर इन दिस कंपाउंड, क्योंकि वाटर का पूछा है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. 100 क्यों लगाया बेटा, परसेंटेज पूछा है. ठीक है, चलो निकालो, यहां कर लेते हैं इसे. मास ऑफ वाटर कितना है बोलो, 90 अपॉन मोलर मास कितना आया, 249.5. चलिए निकालते हैं, 90 अपॉन 249.5 इंटू 100. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 35% और 36.07%. ठीक है, इस तरह से निकालते हैं. सेम क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ब्लू विट्रियोल. अब मैंने किसका पूछा है, कॉपर का, किसमें, ब्लू विट्रियोल. तो देखो, ये क्वेश्चन देने का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन में आपको सिंपल दूसरा दे सकती थी, इथेनॉल दे सकती थी. इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH. इस क्वेश्चन को देने का क्या है, देखो आपको नया टर्म पता चली, क्या, ब्लू विट्रियोल. ब्लू विट्रियोल क्या होता है, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड CuSO4.5H2O. ठीक है, एक होता है व्हाइट विट्रियोल, जिंक सल्फेट को बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल. ठीक है, वो भी हाइड्रेटेड होता है. तो आपको ब्लू विट्रियोल पता चला है यहाँ से. ठीक है, ब्लू विट्रियोल में क्वेश्चन में पूछा है वाटर का, और अगर आपसे पूछे कॉपर का, तो आप क्या करोगे, सिमिलर वे में क्या करोगे, मोलर मास निकालोगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का, कितना आया बेटा, 249.5. अब क्वेश्चन चेंज करके सपोज आपसे कॉपर का पूछ लेते, तो कॉपर का मास कितना है इस कंपाउंड में, 63.5 अपॉन 249.5 इंटू 100, जो भी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा. ठीक है, अगर आपसे पूछे सल्फर का, तो सल्फर का मास कितना है, 32. ठीक है, इस कंपाउंड में देखना बेटा, सल्फर यहाँ पे एक ही है, और एक का मास कितना होता है, 32. तो 32 अपॉन 249.5 इंटू 100. इन द सिमिलर मैनर यू कैन कैलकुलेट ऑक्सीजन. अब ध्यान देना, ऑक्सीजन देखो, आपको समझ आ रहा है जो पढ़ा रही हूँ, ठीक है, नहीं आ रहा तो दोबारा रिपीट करके देख लेना बेटा. ऑक्सीजन का अगर पूछता सिमिलर केस में, तो आपको ये नहीं देखना CuSO4.5H2O. एक तो 4 ऑक्सीजन एटम यहां से मिले, और 5 ऑक्सीजन एटम कहां से मिले आपको, वाटर से, क्योंकि वाटर के आगे 5 लिखा हुआ है. ठीक है,
तो आपके पास टोटल ऑक्सीजन आइटम कितने हो गए, 4 + 5 दैट इज 9। अब आपको 9 ऑक्सीजन आइटम का मास लेना था, और 9 ऑक्सीजन आइटम का मास कितना होगा, 1 का कितना 16 इंटू 9 जो भी आएगा अपॉन 249.5 आपको कर देना है। तो आई होप आपको ये जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ, परसेंटेज कॉम्पोजिशन में स्पेसिफिकली आपको मास परसेंट निकालना है। तो किसी भी कंपाउंड में कोई एलिमेंट कितना मास कंट्रीब्यूट कर रहा है वो उसका मास परसेंट हो गया। सपोज CO2 है, CO2 कार्बन का मास, एटमिक मास बोलो जल्दी, एटमिक नंबर 6, तो मास नंबर कितना होगा 12, गुड। ऑक्सीजन का बेटा 1 का 16, 2 का कितना 32, टोटल कितना हो गया 44। ये क्या है मोलर मास, तो ग्राम पर मोल में होता है मोलर मास। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना कॉन्ट्रीब्यूट करा है 32, तो परसेंटेज कितना 32 अपॉन टोटल मास इंटू 100। ठीक है, अगर कार्बन का पूछे कार्बन कितना दे रहा है अपना 12, तो 12 अपॉन 44 इंटू 100, इस तरह से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आया। इस क्वेश्चन में वाटर का पूछा तो वाटर का कैलकुलेट किया, कॉपर का पूछ सकते हैं, सल्फर का, ऑक्सीजन का ध्यान देना। ऑक्सीजन बेटा सिर्फ यही ऑक्सीजन नहीं है, पूरा ऑक्सीजन है, 4 एटम यहाँ, 5 एटम्स यहाँ, टोटल यू हैव 9 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में है हमारे पास वो है इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या है इंपीरिकल फॉर्मूला, चलिए इंपीरिकल फॉर्मूला, ये टर्म आपके नहीं है इंपीरिकल फॉर्मूला। तो चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सुना होगा आपने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सुना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना। चलो अच्छा मुझे बताओ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। यानी कि जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है कंपाउंड का वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। एक्चुअल फॉर्मूला हमें बताएगा कि कितने कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स है और उनका नंबर कितना है, है ना। तो कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स इन केस ऑफ ग्लूकोज क्या है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन का नंबर है 6, ऑक्सीजन का है 6, हाइड्रोजन कितने है 12। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हिच गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला होता है स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनका सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला। चलिए इसी एग्जांपल को लेते हैं ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक है, ठीक है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, अगर मैं सबको 6 से डिवाइड कर दूं, 6 से सबको, तो कार्बन कितना आ गया 1, हाइड्रोजन कितना आ गया 2, और ऑक्सीजन भी कितना आ गया 1। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हुआ CH2O, सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट रेशियो। तो ये बन गया आपका इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, समझ में आया। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, विच गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर आपको पता चलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, और इसी का सिंपलेस्ट रेशियो बन जाएगा इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे। अभी मेरे को रिलेशन है, देखो ये था C6H12O6, ठीक है, ये क्या है CH2O। तो अगर मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, CH2O को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको ये मिल जाएगा C6H12O6, और CH2O क्या है
इम्पीरिकल फॉर्मूला. क्या है बेटा? इम्पीरिकल फॉर्मूला. और सपोज इसे मैं एन लिख देती हूँ, एन. और ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. क्या है ये? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो अगर आप इम्पीरिकल फॉर्मूला को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा. ठीक है, एन एक सुटेबल नंबर है जिसे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो. समझ में आ गया? ठीक है. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन, मॉलिक्यूलर मास. या यू कैन से मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, जो भी होता है आपका. मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम पर मोल, विच इज मोलर मास, इज इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी. इज इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी. यानी कि अगर आपको वेपर डेंसिटी गिवन है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास मोलर मास आ जाएगा कंफर्म. ठीक है, ये डिराइव नहीं करना है, जस्ट आपको रिलेशन याद रखना है. अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका यूज हो सकता है. कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे आएंगे कि मॉलिक्यूलर मास से मोलर मास डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, आपको वेपर डेंसिटी से निकालना पड़ सकता है. ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? लिंक कर पा रहे हो आप क्या बोल रही हूँ मैं? क्या बोल रही हूँ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि एक्चुअल फॉर्मूला होता है, उसका सिंपलेस्ट रेशियो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला. तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो सपोज CH2O है, अगर मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल गया? C6H12O6, which is the molecular formula of glucose. So by multiplying empirical formula with a suitable number or n, you can get the molecular formula. Clear है? I hope समझ में आ गया होगा. ठीक है, चलो अब इसके बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं. इसे नोट डाउन कर लो बेटा पॉज करके. चलिए देखो, इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के ना कुछ रूल्स होते हैं, आपके पास सेट रूल्स होते हैं. क्या निकालने के? इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के. ठीक है, तो एक वे क्या है कि मैं एक एक करके रूल्स लिखूं, आपको याद कराऊं, देन क्वेश्चंस करें. दूसरा सिंपलेस्ट वे क्या है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और आपको रूल साथ साथ बताती जाऊंगी, वो ज्यादा अच्छा है. ठीक है, बजाय आपको पूरा रूल पहले याद कराने के. तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके थ्रू आप इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना भी सीख जाएंगे और आपको रूल्स भी पता चल जाएंगे. तो क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है, ए कंपाउंड कंटेन्स फोर पॉइंट जीरो सेवन परसेंट हाइड्रोजन कॉमा 24.27% कार्बन, 24.27% कार्बन एंड रिमेनिंग क्या है? 71.65% क्लोरीन. ये इंफॉर्मेशन गिवन है. और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है? क्या इंफॉर्मेशन है? इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम पर मोल, ये गिवन है. ठीक है, कैलकुलेट इट्स इंपीरिकल एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये क्वेश्चन गिवन है आपको, इंफॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में. ठीक है, चलो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. तो देखो, सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन लिखने के साथ साथ एक टेबल बनाते जाइए. तो आपको गिवन क्या है? परसेंटेज गिवन है. एक कंपाउंड है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन और कार्बन, और क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन प्रेजेंट है. इनकी परसेंटेज यानी कि मास परसेंट गिवन है कि उस टोटल कंपाउंड का 4.07% क्या है? हाइड्रोजन है. 24.27% क्या है? कार्बन है. और 71.65% क्या है? क्लोरीन है बाय मास. तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? एक टेबल बनानी है. टेबल में लिखिए एलिमेंट. ठीक है, तो एलिमेंट कौन कौन से? हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन. सीख लिया? टेबल बनाई तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कौन कौन से? हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन. अब इनको, इनका गिवन क्या? आपको मास परसेंट गिवन. क्या गिवन है बेटा? मास परसेंट. हाइड्रोजन का कितना? 4.07. कार्बन का कितना?
24.27 और क्लोरीन का कितना 71.65%। ये गिवन है 71.65%। तो आपने लिख लिया, एक स्टेप हो गया। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में इनके मोल्स निकालने हैं। इस मास परसेंट को किस में कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप इनके साथ साथ ना एटॉमिक मास लिख लीजिए ताकि इजी रहे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना 1, कार्बन का कितना 12, क्लोरीन का कितना 35.5। अब आपको क्या करना है, मोल्स निकालने हैं। तो एक्चुअली मास ही तो हुआ, मान लो टोटल 100 है, 100 में से 4 ये है, 24.27 ग्राम ये है और 71.65 ग्राम क्या है क्लोरीन। तो एक तरह से आप इसे मास कंसीडर कर सकते हो। और मास को अगर मोलर मास एटॉमिक मास से डिवाइड करते हो तो क्या मिल जाता है आपको, मोल्स। तो आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, मोल्स निकालने हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास परसेंट को इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक मासेस से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो ये बहुत आसान है, सबसे सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं इसके। तो आपने क्या किया, 4.07% मास परसेंट है हाइड्रोजन का अपॉन इसका एटॉमिक मास कितना 1 इज इक्वल टू क्या आंसर आया 4.07। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका 4.27% क्या है, कार्बन है। कार्बन का मास होता है 12, तो आपके पास आया 2.02। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर यू विल डिवाइड 71.65 बाय 35.5। तो 71.65 क्या है, मास परसेंट ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, दिस विल कम आउट टू बी 2.021। ठीक है, तो आपने अब तक क्या किया, कुछ स्टेप्स फॉलो किए। स्टेप्स क्या है आपके, पहला स्टेप तो एलिमेंट्स लिख लीजिए जो जो आपके पास गिवन है, लिखिए हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन गिवन है। सेकंड आपको इनका मास परसेंट गिवन है, मास परसेंट जरूरी नहीं हर बार मास परसेंट ही देगा, कई बार सीधा मास भी दे देता है। तो मास परसेंट कितना है 4.07, 24.27 और 71.67। देखो इसको टोटल करो, ये 100 ही आएगा, ये परसेंटेज में है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास 100 टोटल मास है तो उसमें से 4 ग्राम कौन दे रहा होगा, कार्बन, हाइड्रोजन 24, कार्बन क्लोरीन कितना 71.7। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या, आपको इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक मास लिखनी है, लिख लिया। अब क्या करना है, मास परसेंट को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। तो 4.07 अपॉन 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है 2 नहीं होता, ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर 1 तो मास नंबर डबल, हमेशा नहीं होता। तो 4.07 आ गया बेटा। नेक्स्ट है 24.27 व्हिच इज कार्बन, डिवाइड करो 12 से इस तरह इसको, तो आपके पास ये आ गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास रेशियो निकल के आया है, क्या निकल के आया, मोल्स निकल के आए हैं, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है मोल का। देखो ये 4.07, 2.02, ये तो दोनों बराबर ही आ गए, तो सबसे स्मॉल क्या है, ये 2.021 है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी मोल निकल के आए हैं इनको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4.07 मोल निकल के आया हाइड्रोजन का, कार्बन का कितना है 2.021, इसका क्लोरीन का भी 2.021। तो इन तीनों में सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है, 2.021, तो इससे डिवाइड कर दो 2.021, 2.021, 2.021। तो ये अप्रोक्स आ गया 2, ये अप्रोक्स आ गया 1, ये भी क्या आ गया अप्रोक्स, का ये तो पूरा 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गए हैं, रेशो आ गए हैं। ठीक है, तो आपके पास सिंपलेस्ट रेशो क्या आया, सिंपलेस्ट रेशो 2, 1, 1। तो अब आप इसे यहां लिखिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2, क्लोरीन कितना 1। तो सिंपलेस्ट रेशियो के अकॉर्डिंग CH2Cl क्या बन गया, इंपीरिकल फॉर्मूला बन गया, क्या बन क्या बन गया इंपीरिकल फॉर्मूला बन गया। मैं रिपीट कर रही हूँ सारे स्टेप्स, देखो ध्यान से पढ़ो। पहले तो एलिमेंट्स लिख लीजिए, दूसरा उनके मास परसेंट गिवन है वो लिख लीजिए। आपको थर्ड स्टेप में मोल्स निकालने होते हैं, मोल्स निकालने के लिए ना इस परसेंट वाली चीज को
एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, तो 4.07 को 1 से किया क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। 24.27 को किससे किया, 12 से, क्योंकि कार्बन का 12 है, इसलिए मैंने पहले यहाँ लिख लिया ताकि कंफ्यूज ना हो। 71.65 को किया 35.5 से, बिकॉज क्लोरीन का 35.5। तो आपके पास यहाँ कुछ नंबर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये तो कोइंसिडेंस हुआ कि दोनों का नंबर सेम हो गया, अलग अलग भी हो सकता है, तो उनमें जो सबसे कम वाली वैल्यू है ना उससे बाकी सबको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपने क्या किया, 4.07 को 2.021 से डिवाइड किया, बिकॉज इस केस में सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू है 2.021। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास एक रेशियो आएगा, ये आ गया ना नंबर 211। तो ये तो क्या है, होल नंबर है। कई बार होल नंबर नहीं आता तो आपको क्या उसे बनाना पड़ता है, किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे होल नंबर बना दो। लकीली हमारे पास फर्स्ट केस है, उसमें क्या है, होल नंबर है। तो आपके पास एक रेशियो आया CH2Cl, सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो निकल गया पहला केस। तो अब उसने क्या पूछा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा है। तो आपको तो पता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर आप n से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। बट आपको तो n भी नहीं पता, तो एक केस कर सकते हैं n निकालने के लिए। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2Cl, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कुछ होगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास दे रखा है आपके पास मोलर मास, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आपको n मिल जाएगा। CH2Cl इसका मोलर, इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालो, कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन कितने 2, क्लोरीन का कितना 35.5, तो आपका ये कितना आ जाएगा अराउंड 98.96, कितना आया, सॉरी ये कितना आएगा आपके पास 49.5 ग्राम पर मोल। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास आ गया बेटा, और गिवन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास, वो कितना गिवन है 98.96, ठीक है। तो इक्वेशन ये वाली याद है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो होगा उसका मास कितना है 49.5 into n is equal to, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास कितना है 98.96, तो यहां से n आ जाएगा, कितना आया 98.96 को 49.5 से डिवाइड कर दो तो अराउंड आपके पास आ गया 2, ठीक है, 2 आ गया, यानी कि आपको n की वैल्यू पता चल गई। बस n की वैल्यू पता चलते से एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना गया, 2 इंटू CH2Cl, तो क्या आया C2H4Cl2। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2Cl। तो रिपीट करने की जरूरत है, यहाँ से रिपीट कर देती हूँ। ये तो आपको पता चल गया होगा, मास परसेंट को हमने एटमिक मास से डिवाइड करके मोल निकाला, मोल में से सबसे सिंपल जो सबसे कम वाली वैल्यू मोल नंबर नहीं है, मतलब पॉइंट्स में है, सपोज 1.98 होता तो ये तो अंडरस्टूड है, 1.98 किसके बराबर है 2 के, लेकिन सपोज 1.5 होता तो आप इसे 2 के बराबर कर सकते थे राउंड ऑफ करके, नो, तो आपको एक सिंपलेस्ट रेशियो बनाना पड़ता, ठीक है, किसी चीज से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो आपको क्या मिल गया, CH2Cl एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला का कुछ मास है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है, तो यहां से n कैलकुलेट कर लेंगे, 98.96 / 49.5 n / 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाता है। तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा, और इसके रूल्स भी यही हैं कि सबसे पहले एलिमेंट लिखिए, ठीक है, फिर क्या करना है, एलिमेंट्स का मास परसेंटेज लिखिए, देन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स, देन डिवाइड द वैल्यू ऑफ ऑल द मोल्स ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आपके पास रेशियो आएगा, वही आपका क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट क्या करना है, दोनों के मासेस निकालो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का गिवन होगा, एम्पिरिकल का आप निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वाले को डिवाइड कर दो एम्पिरिकल से, एन आ जाएगा, एन निकलते ही तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एन निकलते ही इसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, ये एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं ताकि और फर्दर क्लैरिफिकेशन हो जाए कॉन्सेप्ट का, तो वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, चलिए करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. इस क्वेश्चन को ना पहले आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? वीडियो पॉज कर देना और खुद से प्रैक्टिस करना. तो क्वेश्चन है 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम, 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम, ठीक है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, वाज हीटेड स्ट्रॉन्गली इन अ करंट ऑफ एयर, वाज हीटेड स्ट्रॉन्गली इन अ करंट ऑफ एयर, यानी कि एयर में उसे हीट किया गया. किसे? यूरेनियम को. एयर में हीट करने पे ऑक्साइड बनाएगा, है ना. द रिजल्टिंग ऑक्साइड, यानी कि यूरेनियम ने ऑक्साइड बना लिया. ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना लिया. तो एक यूरेनियम होगा और दूसरा क्या होगा? ऑक्सीजन. तो द रिजल्टिंग ऑक्साइड वे 2.806 ग्राम, 2.806 ग्राम, ठीक है. डिटरमाइन इंपेरिकल फॉर्मूला, डिटरमाइन इंपेरिकल फॉर्मूला. अब आपका पहला काम क्या है? वीडियो पॉज करो और फटाफट से क्या करोगे? क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है. फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. देखो मैं बता देती हूँ. देखो एक हमारे पास है यूरेनियम बेटा, और जब इसे हीट किया यानी कि ऑक्सीजन मिला, दोनों ने मिलके एक यूरेनियम का ऑक्साइड बना लिया. हमें फॉर्मूला नहीं पता क्या है, अभी नहीं करना पता. यूरेनियम के ऑक्साइड में एक यूरेनियम होगा, एक ऑक्सीजन होगा, इतना तो क्लियर है. और जो ये ऑक्साइड बना, इसका टोटल मास आया 2.806 ग्राम, है ना. तो इतना तो आप अंडरस्टूड है. और ये कितना लिया था? 2.38 ग्राम. जब 2.38 ग्राम लिया, उसने कुछ ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, फाइनल कंपाउंड में यूरेनियम ऑक्साइड का मास कितना आया? 2.806 ग्राम. तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इस कंपाउंड में यूरेनियम कितना होगा, है ना. तो आप क्या करोगे? मास परसेंट ऑफ यूरेनियम निकालोगे. मास परसेंट ऑफ यूरेनियम. सिंस आपको फॉर्मूला नहीं पता, तो आपको जो गिवन डेटा है उसी से निकालना पड़ेगा. मान के चलिए सारा का सारा यूरेनियम रिएक्ट कर चुका है, ठीक है. तो 2.38 ग्राम अपॉन 2.806 ग्राम, परसेंट निकालना है तो इंटू 100. तो ये आया अप्रॉक्स आपके पास 84.82 परसेंट. कितना आया? 84.82 परसेंट, ठीक है. चलिए अब आपके पास दो कंपाउंड है. एक कंपाउंड है यूरेनियम का ऑक्साइड, फॉर्मूला नहीं पता. उसमें एक है यूरेनियम और एक है ऑक्सीजन. यूरेनियम आया 84.82 परसेंट, तो टोटल तो 100 ही होगा ना. तो 84.82 परसेंट क्या? यूरेनियम. तो बचा हुआ क्या होगा? ऑक्सीजन. तो वो कितना होगा? मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बताइए? 100 में से इस 84.82 को माइनस कर दो तो कितना आ गया? आपके पास है 15.18 परसेंट, 15.18 परसेंट ऑक्सीजन. तो ये कितना है? 15.18, ठीक है. तो मास परसेंट आ गया. अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में टेबल बनानी है. टेबल में एलिमेंट्स, ठीक है, फिर मास परसेंट ऑफ एलिमेंट्स, सेकंड टेबल में मोल, थर्ड टेबल में, लेकिन इजी करने के लिए ना इनका क्या कर देते हैं? एटॉमिक मासेस भी लिख देते हैं. तीन टेबल होगी. फोर्थ टेबल में क्या निकालना है? मोल्स निकालना है. मोल निकालने के लिए क्या करोगे? मास परसेंट को एटॉमिक मासेस से डिवाइड करोगे. फोर्थ में क्या करना है? सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, वो डिवाइड करने वाला, ठीक है. तो एलिमेंट्स कौन से? यूरेनियम और ऑक्सीजन, ठीक है, यूरेनियम और ऑक्सीजन. मास परसेंट कितना? 84.82 और 15.18. अब यूरेनियम का एटॉमिक मास याद आपको गिवन होगा, नहीं तो यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 92, यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 235. ये अबंडेंट होता है, इसीलिए हम इसे ही मानते हैं. तो इसका मास कितना आया? एटॉमिक मास 238. ऑक्सीजन का कितना होता है? अप्रॉक्स 16.
ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनसे डिवाइड कर दो, 84.82 डिवाइडेड बाय 238, इसका कितना आया 15.18 डिवाइडेड बाय 60। तो इसकी वैल्यूज आई हैं अराउंड 0.35 एंड 0.94, ठीक है। तो आपके पास इसमें सबसे स्मॉल क्वांटिटी कौन सी है, सबसे छोटी 0.35, तो इन दोनों को 0.35 से डिवाइड करो, तो 0.35 अपॉन 0.35 इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली 0.94 अपॉन 0.35 इट विल कम आउट टू बी अराउंड 2.66, ठीक है। तो आपके पास रेशो क्या आया, रेशो किसका आया, यूरेनियम का और ऑक्सीजन का, कितना 1:2.66। अब आप 2.66 को राउंड ऑफ करके 3 तो करोगे नहीं करोगे ना, बिकॉज ये बड़ी क्वांटिटी है। चलिए इसे सिंपल बनाते हैं, यहां तक तो समझ आया। अब इसे क्या करना है, सिंपल बनाना है। तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो ये तो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 4.72, इसे भी आप राउंड ऑफ नहीं कर पाओगे। तो अब आप क्या करोगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, तो ये तो हो गया 3, ये कितना हो गया 7.98 को राउंड ऑफ करके आप 8 लिख सकते हो ना। तो आपने क्या किया, इस क्वांटिटी को होल नंबर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास सिंपलेस्ट रेशो क्या आया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो 3:8, यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, U3O8, क्लियर है। और ये है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला U3O8 इस डेटा से जो निकला। अब इन्होंने मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछा ही नहीं है तो निकालना नहीं है, अगर पूछा होता तो क्या गिवन होता, या तो मोलर मास गिवन होता या वेपर डेंसिटी गिवन होती। तो वेपर डेंसिटी गिवन होती तो क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करो, मॉलिकुलर वेट निकल जाता या मोलर मास, या इस क्वेश्चन में मोलर मास गिवन होता, लेकिन हमने सिर्फ पूछा क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो हमने निकाल दिया, खत्म। इस टाइप से क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एम्पिरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं। तो सीधा सीधा मास परसेंट नहीं दिया, बट हमें तो मास परसेंट निकालना आता है ना, कि टोटल 2.80 है और इसमें से यूज कितना हुआ 2.38 यूरेनियम, तो बच्चा पूछा क्या होगा ऑक्सीजन, है ना। तो मास परसेंट कितना है ऑक्सीजन का, 2.38 अपॉन 2.806 इनटू 100 करते 84.82। टोटल 100 में से दो ही चीजें हैं, यूरेनियम और ऑक्सीजन, ठीक है। एक क्या है आपके पास, यूरेनियम जो कि कितना है 84, तो बच्चा पूछा क्या होगा ऑक्सीजन, विच इज 15.18। बस अब इन दोनों को क्या करो, लिख लो यहाँ पे मास परसेंट लिख लो, इनके एटॉमिक मास लिख लो। देखो ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आप भूल के गलत ना लिख लो, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, इसे इससे डिवाइड, तो 84.82 अपॉन 238, 15.18 अपॉन 16, तो ये रेशो आ गया, ठीक है। ये रेशो सिंपलेस्ट नहीं होता, आपको क्या करना है, इनमें जो सबसे छोटी क्वांटिटी है उसे डिवाइड कर दो बाकी से, तो 0.35 अपॉन 0.35, 0.94 अपॉन 0.35, या 1:2.66। अगर ये 1:2 आता सपोज, तो ये सब करने की जरूरत थी, नो, तो सिंपल लिख देते UO2, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रेशो आया 1:2.66, विच इज नॉट अ होल नंबर। तो तब तक कोशिश करते रहो जब तक कि होल नंबर ना हो जाए। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करके देखा तो भी काम नहीं हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करके देखा तो अप्रॉक्स आ गया 3:8, तो ये आ गया U3O8। अच्छा बच्चे एक और मैं आपको बता देती हूँ, बहुत रेयर केसेस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको ना किसी, जरूरी नहीं है किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, कई बार आपको फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिंपल रेशो ही मिलेगा आपको, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी मिल सकता है, बट जनरली आपके लेवल पे पूछे नहीं जाते हैं, वो हाई लेवल पे पूछे जाते हैं जब कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज कॉम्पोजिशन से, किसी भी एलिमेंट का मास परसेंट, उसका मास अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, विच इज सपोज टू बी मोलर मास इन फ्यू केसेस इनटू 100, और हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना देखा। तो मास मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसी को सिंपल वे में लिख दो तो क्या मिल जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। उसके ये तरीके थे, तो दो क्वेश्चंस देख लिए, एक सिंपल वाला भी देख लिया, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा नहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इस टाइप से आप इसे कर सकते हो। आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है आयरन ऑक्साइड का, उसे सॉल्व करके देखो, आपसे हो जाएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन का मतलब कुछ सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे, यानी कि कुछ सॉल्यूशन में जो टर्म्स यूज होते हैं ना कॉम्पोजिशन, उसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है।